इसलिए है आपका कुछ नहीं। अब यह है कि बताया उन्होंने कि भाई तुम देश में आए, तुम फंस गए हो कर्मों में, तो सहज सहज धीरे धीरे सने सने निकल आओ। वो तो ये नहीं चाहते। कोई आदमी कहे कि भगवान कंठी में मिलेगा, कोई जनेऊ में जाएगा, लंगोटी में मिलेगा, लाल कपड़ों में, इससे उससे क्या मतलब है? लाल कपड़े, गेरू कपड़े, लंगोटी, जनेऊ, इससे क्या ये कुछ नहीं। इसमें कोई मुक्ति हो, कोई मालिक थोड़ी मिलता। वो तो मालिक तो मिलता है वो निर्मलता से। तो जो भी निर्मल हो जाए, छोटा बड़ा कोई भी हो, किसी जात का हो, निर्मल हो जाए, वो मुझे पाले। वो सुभज भी थे, रैदास भी थे, मेरा भाई छत्राणी थी, वो सब ब्राह्मण थे। तो कोई जाट था, कोई मतलब यह है कि बनिया था, कोई कुछ था। तो उससे जात पात उससे क्या मतलब, आदमी होना चाहिए जो निर्मल हो जाए, वही मुझे प्राप्त कर सकता। यहाँ तुम जात पात में बंधे पड़े हो, क्यों जात पात से मिलता है? जात पात से क्या, जात पात तो तुम्हारी व्यवस्था है, उसकी होता भौतिक चीज है कि इस व्यवस्था से रहना। और जात पात नाम तो एक व्यवस्था है कि आपका नाम रख दिया तो आप पुकारे जाओगे, उसकी तरफ से तो कोई नाम नहीं। तो आप अपनी चीज को समझो, वो तो अलग है, लेकिन वो तो अलग है, उसको भी आप इसी में जोड़ देते हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता। तो हमने कल बताया था कि देखो कैसे पहला स्थान कैसे प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राप्त किया, पहली मंजिल पर पहुंचे, तो ईश्वर का दर्शन, तीन लोक के मालिक का दर्शन। फिर दूसरी मंजिल तय की तो ब्रह्म का दर्शन हुआ, जहां की कारण वही से उत्पत्ति हुई है। अनाद वेद की उत्पत्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध वही से, वही कारण बीज है। तो बीज अगर मतलब यह है कि नाश कर दिया जाए तो जीव छुटकारा पा गया। जब तक बीज नाश नहीं होता तब तक किसी मंडल में भी सूरत पहुंच जाएगी तो उसको फिर वापस आना। ईश्वर के लोक में पूजा, ईश्वर का साक्षात्कार करे, वहां रहे, उसको भी वापस आना। फिर ब्रह्मलोक में पहुंचे, लोक में रहे, वहां ब्रह्म का दर्शन करे, और उसके बाद में उसको भी लौट के आना। लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसके बोध से परे हो जाएगी, शब्द रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, शब्द में प्रकाश है, शब्द रूप हो जाती है, फिर ये दूसरों को खुराक देने लगती है, पहले दूसरों से लेती। जब शब्द स्पर्श रूप है तो दूसरों से खुराक लेती है, अब ये दूसरों को भोजन देने लगी, तो शब्द रूप तो फिर गुणातीत हो जाती है, फिर वो बंधन में नहीं आ सकती। तो ये भेद कोई जानता नहीं, अंदर जाकर के मालूम होता है, पता चलता है। जब उस मंडलों में जाओ तो मालूम होता है कि भी है क्या, उधर से पता चलता है ये सब छाया, सब छाया। और छाया पकड़ते पकड़ते कितने बादशाह, कितने महाराजे, तमाम लोगों को कत्लेआम कर दिया, तमाम लोगों की हिंसा कर दी, तमाम को मार दिया, लेकिन पड़ा उनके हाथ कुछ नहीं, छोड़ के चले गए। हाँ, छाया किसी के हाथ में है, इतना धन और दौलत सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, और मतलब ये कलयुग का, और वो सब का सब। और किसके लिए ले, धन दौलत के लिए कत्लेआम किया, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही यहाँ कुछ लगने वाले, क्योंकि छाया किसके हाथ आती, वो तो ठगनी है। अभी यहाँ बैठ गई ऐसा, और उधर से इकट्ठी होने लगी, इधर से अब देखा कि आपको घमंड और अहंकार आ गया, तो यहाँ से उसी उस गरीब के पास बैठ गई, तो वहां जाने लगा, ये रोने लगा कि जा रही है, जा रही। पहले तो जब नहीं था रो रहा था, और जब आ गई तो घमंड अहंकार में अब जा रही, तो अब रोने लगा, वो हंसने लगा, वो पहले रो रहा था और फिर हंसने लगा। अब उसके बाद जब उसको भी गरुड़ गुमान और घमंड आया, तो वहां से उसके पास बैठ गई। ये किसी की नहीं, छाया किसी की नहीं होती बच्चा, और वैसे उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अरे भाई असली काम करो, मनुष्य मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई महात्मा को पढ़ो, उससे प्रेम करो, तुम्हारा बंधन ढीला हो जाएगा, वो युक्ति बता देगा, तुम अंदर चल पड़ो, उससे मदद ले लो, घर की तरफ चलो, और अपने घर में पहुंचो। यहाँ कहाँ तुम्हारा घर है, सब परदेश है,
तो आप दो मंजिलें आपने सुनी, एक ईश्वर की, एक ब्रह्म की, और अगर दर्शन नहीं किए होते तो बताते क्या? दर्शन किए तभी तो बताया। और तीसरी मंजिल है बाहर ब्रह्म की। ये दो ईश्वर ब्रह्म की दो मंजिल प्राप्त कर ली, अब पार ब्रह्म की मंजिल है उसको भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई इतनी मंजिलें मुझे पार करके जाना है। तो किसी का कोई विरोध थोड़ी है, अरे भाई उसके पास जाओगे उसका दर्शन होगा, भाई आप उसके अनुकूल चलो तो क्यों बाधा पहुंचाए? जब आप उसके नियम के अनुकूल चलोगे जो विधान बनाया, तो फिर वो बाधा क्यों डालेंगे? बाधा तो तब डाली जाती है जब आपने उसका उल्लंघन किया। आप उसके अनुकूल नहीं है कोई बाधा नहीं भाई। कानून तो इसलिए बनता है कि आप कोई खराब काम मत करो, अच्छा करो, तो कानून किस बात का, कोर्ट कचहरी किस बात की? जब सब अच्छा काम करने लगे कोर्ट कचहरी उठ जाएगी कि कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, तो यहां बैठ के क्या करेंगे, ऐसा समय कौन बिताएगा? इसलिए उसके नियम के अनुसार चलो, तो कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इन लोगों ने कोई अब नियम के अनुसार चले, कोई बाधा नहीं, अब चलते गए, उनका भी दर्शन, उनका भी दर्शन। अब आप तीसरी मंजिल की बात सुन लीजिए, बोलो। अब चली सर पर खोले सोन मंडल का सुन लिया। अब ये जब ब्रह्म स्थान पर जब वो पहुंची, वहां साक्षात्कार हो गया। अब ये कर्म बीज है जहां से उत्पत्ति हुई है बीज की, वहां जाकर के पहुंच गई और उधर से आवाज आई है तीसरी मंजिल से। ये तो त्रिकुटीय स्थान है ब्रह्म का, और वो स्थान है मतलब पार ब्रह्म का दसवां द्वार, उसको सुंड भी कहते हैं, सुंड मंडल। वैसे दसवां द्वार है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान। तो कहते हैं उनका बोल, उनकी आवाज आने लगी। तो कहते हैं दो पर्दे पार करके तीसरे पर्दे की तरफ चली, क्योंकि उधर से बड़ी कशिश आवाज किगरी सारंगी की बजती हुई, इतनी अद्भुत कि सुरते उस आवाज को सुन करके नाचने लगती है। और नाचती है, अब यहां पर जैसे ही आवाज सुनी तैसे ये बीज जला, नाश हो जाए। ऐसे ही जैसे ही आवाज को सुना और पकड़ा और चली उधर से, बस बीज खत्म। नीचे जितने भी गगन, जितने भी मंडल, ये सब छोड़े, इनके मंडल, इनका राज अलग है। ब्रह्म का राज अलग है, ईश्वर का राज अलग। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं उनका राज अलग, और यहाँ अलग अलग राजाओं का खंड राज, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ऐसे। तो ये सब छोड़ दिया, अब उधर चल, चली उधर, बोलो। दसवा द्वार तेज प्रकाश छोड़े नीचे गगन आकाश। अब जो देख रही है सूरत कहती है भाई वो दसवां द्वार है, तेज प्रकाश, बहुत तेज है लेकिन बहुत शीतल प्रकाश, बहुत तेज है, बहुत शीतल है, ठंडा। वहां गर्म नहीं, गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत शीतल, बहुत तेज, इन दोनों से बहुत तेज। और जो उनका शरीर है वो तो एक से, ये कोई इतना शरीर थोड़ी है कि ऐसा है, ये तो इतना संसार नहीं, इतना तो ईश्वर का शरीर है ये, जिस उससे लाखों हिस्सा बड़ा, तो ब्रह्म का जिस, और उनका पार ब्रह्म का बहुत बड़ा, बहुत बड़ा शरीर है। तो ये शरीर नहीं है जिसमें मलबूत रहता है, वहां मलबूत का कोई नाम निशान नहीं, जब ये हाड़ मास का ही नहीं है। तो किसी तरफ से भी देखिए, बस रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर बरसता है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा,
उस बोल को, उस आवाज को पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, उस बाजे को, तो क्या देखता हूँ कि दसवां द्वार है और बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी। बोलो। मान सरोवर किए स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब मैं उधर गई तो मैंने किया बड़ा भारी मान सरोवर है, इतना बड़ा मान सरोवर है कि ये जितने आपके अगर एक एक कण का एक एक लोक मृत लोक बना दिया जाए तो ये सब उसमें डाल दीजिए, सब उसमें समा जाएगा।